जय श्री कृष्ण। तनुश्री स्वामी एंड हर्षिका स्वामी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कारपेट बनाएंगे, यानी चटाई। चटाई बनाने के लिए हमने एक लोहे का खाटिया लिया है, उसके हमने एक डंडा लगा दिया है, फिर उस पर एक ये दो रस्सी लपेटनी है और अगर आप ये डंडा नहीं बांधेंगे तो ये दरी अच्छे से नहीं बनेगी कारपेट। और अगर दही चटाई टाइट होती जाएगी तो हम इस लकड़ी के ऊपर करते जाएंगे। बोलो, अब इसे ऐसे ही लपेटते रहना है। हमने इसके ये डोरी लपेट दी है, ऐसे ही हमें पूरा लपेटना है। अब हमने इसको यहाँ तक बना दिया है, अब हमें पूरा यहाँ तक बनाना है इसे। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। हमारी इसकी चौड़ाई 4 फुट है, आपको जितना रखना उतना रख सकते हैं। अगर ये खाट चौड़ा होगा तो ये दरी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। हमारे पास ज़्यादा मोटा नहीं था बड़ा, इसलिए हमने इससे ही बनाया। देखिए, हमने ये डोरी पूरी डाल दी है। अब हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सुई धागे से जोड़ के ऐसे एक छोड़ के एक के अंदर डालना है। ऐसे ही डालते रहिए और फिर अब हमें ये ऊपर है तो इसको नीचे करना है ऐसे, फिर जो ये इसमें नीचे है उसको ऊपर करना है। ऐसे ही पूरा कर देना है हमें। देखिए, हमने ये इतना बना लिया है। आप भी कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। और इसको यहाँ से थोड़ा लंबा छोड़ना है, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा। इतना कम नहीं छोड़ना है। अगर ये ना वहाँ तक पूरा बन जाए तो इसको सिरका लेना है, ऐसे खिसका लेना है इसे। हमने ये कलर इतना बना के फिर इतना और बना रहे हैं। आप भी ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं। इसे बनते ही आप खिसका देना। देखिए, हमने ये इतना बना लिया है, अब हमें इसको खिसकाना है। इस लकड़ी को लूज करके हमें इसको खिसका लेना है, ऐसे खिसका लेना है। इसे थोड़ा थोड़ा करके खिसकाना है, फिर बना लेना, ऐसे बनाते रहिए, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगी। फिर इस डंडे को टाइट कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ पे सारा लगा दिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। आप अगर आपका खाट ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा है, तो ये चटाई और भी ज़्यादा बड़ी बनेगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं और आप साड़ी से भी बना सकते हैं, किसी पुरानी साड़ी से। यह बहुत अच्छी बनेगी और हमें इसे ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, नहीं तो खोलने के बाद ये सिकुड़ जाएगी, इसलिए ज़्यादा टाइट न बनाएं। अब हमें इसे बीच में से कट करना है और नॉट लगानी है। यह देखिए, हमने ऐसे बना लिए। जय श्री कृष्ण।